अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर मैं एक रेसिपी के साथ आई हूँ, ब्लॉग भी पोस्ट कर रही हूँ। आप मुझे पता है कि आप मेरे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं, पर रेसिपी भी मुझे अच्छे लगते हैं, फूड बनाना, तो रेसिपी भी मेरा एक मशगला है, तो वो भी पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी भी अच्छे लगते होंगे। सो आज जो मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है। और बल्कि आज मैं दो रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन अलग अलग दिनों पे पोस्ट करूंगी, तो एक पोस्ट कर दूंगी और एक दोबारा पोस्ट कर दूंगी। तो चले बनाते हैं अपनी पहली रेसिपी, नाम बाद में बताऊंगी, तो लेट्स बिगिन। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल टू गेट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले पैन को ऑन कर दिया है। पैन में बस थोड़ा सा, एक स्पून के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपको जो पसंद है वो यूज़ कर लें, बट ओनली 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। मैं पतले पतले करके ऑनियन भी काट दूँगी, मैं ऐसे ही चूल्हे के ऊपर ही काट रही हूँ। आप लोग बेशक चॉप बोर्ड का इस्तेमाल कर लें। आप इसको सोटे कर लें थोड़ा सा, ऑनियन को ज़्यादा बारीक ना बनाएं, क्योंकि इस रेसिपी में ऑनियन का थोड़ा चंकी होना अच्छा लगता है। चलिए ये सोटे होते हैं। इसमें मैं एक दो मिर्चें, ऐसी पतली दो मिर्च, ऐसे पतले पतले वो भी काट दूँगी। और लेकिन मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। हमारे घर में मिर्चें पसंद करते हैं तो मैं डाल रही हूँ। सोटे करते जाएं, और ये देखिए ऑयल बिल्कुल बहुत कम है, ऑयल बिल्कुल इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि ये आपके लिए ख़राबी पैदा कर सकता है। बस आपको ऑनियन जो है वो थोड़ा सा फेयर किस्म का हो जाए तो आप इसमें गार्लिक भी मिला लें, तकरीबन 1 टीस्पून की जितना, उसको भी साथ सोटे करें। सो लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो फर्स्ट आई जस्ट प्लेस माय पैन एंड देन आई पुट 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 चॉप्ड ऑनियन and when onion change color to pale, I cut 2 green chili and 1 teaspoon garlic. ये उनके लिए मैं इंग्लिश बोल रही हूँ जो कि उर्दू नहीं समझते। Now about 1/4 teaspoon black pepper, 1/4 teaspoon my mix masala, 1/4 teaspoon chili flakes, 1/4 teaspoon cumin seed and 1/4 teaspoon madras curry powder. And now I add 1.5 cup mincemeat, 1 pound mincemeat, okay? This is a very easy recipe. Make sure you massage this mincemeat very well. तो mincemeat का मसाज अच्छी तरह से करें, ताकि ये इसकी गिटलियाँ ना बने। We don't want any lumpy mincemeat, okay? तो काफ़ी hard होता है जो गिटलियाँ हैं उनको दूर करना, तो इसी वक्त में इसको अच्छी तरह से करें कि ये गिट्टियाँ ना बने। सॉल्ट, सो कीप इट अंडर द लिड नाउ फॉर 10 मिनट on low to medium heat.
सो सी यू इन 10 मिनट। तो कीमा तो मेरा बन रहा है, मैंने लिड के अंदर रख दिया है 10 मिनट के लिए, 9 से 10 मिनट के लिए, लेकिन ख्याल रहे कि बीच बीच में से यानी एवरी 2 मिनट आप उसको देखें कि कहीं नीचे से जल ना जाए, क्योंकि हमने इसमें ना पानी डाला है, ना टोमेटो है, ना ऑयल ज़्यादा है, तो नीचे से लगने का खदशा होता है। सो एज आई से इन उर्दू, वी कीप कुकिंग 9 to 10 मिनट, बट प्लीज़ चेक इन बिटवीन एवरी 3 to 4 मिनट, सो यू नो इट्स नॉट गोना स्टक टू द पैन। ओके, सो ये 5 मिनट इज़ डन, माई कीमा माशाल्लाह सो गुड। एंड अभी मैं थोड़ी देर बाद में 5 मिनट के बाद दिखा दूँगी कि कैसे कीमा बना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और काम बताती हूँ कि वो आपने करना है, तो चलिए दिखाती हूँ। ऐसे पेपर्स हैं, पता नहीं इसको अलग अलग नाम लोग लेते हैं, पर ये ऐसे लंबे रेड भी होते हैं, ग्रीन भी मिलते हैं, जैसे कि पेपर हर कलर के मिलते हैं। इनको मैं क्या करूँगी, ये ऐसे प्लाट करके नहीं, ऐसे इस साइड पे मैं इसको ऐसे कट लगा दूँगी। एंड ये देखिए, जब कट लग जाए तो इसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा ओपन कर लें, और ये जो इसकी ये जो सीट है ना, इसको भी थोड़ा सा तोड़ दें, ताकि ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना बने जब आप इसकी फिलिंग करें। तो ये ऐसे कर दिए, ये देखिए मैंने ऐसे, मेरे घर में इतने ही थे तो मैंने इनको ऐसे कर दिया है। इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये देखिए, ये सब हो गए हैं। मैंने 6 चिली काटे हैं, इसको चिली बोलें या जो भी आप बोलें, ये मैंने 6 काट दिए हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैंने फ्लैट भी कर लिया, बस ये ख्याल रहे टूटे नहीं मुझसे, ये वाला थोड़ा सा टूट गया है। इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर ले लिया है और अबाउट 4 छोटे स्प्रिंग ऑनियन ले लिए। सो जैसे ही मेरा कीमा तैयार होगा, मैं सबसे पहले काम करूँगी स्प्रिंग ऑनियन उसके ऊपर डालूँगी, और थोड़ा सा धनिया डालूँगी, और फिर बस डन। सो मैं इलादा 4 मिनट वेट कर रही हूँ, इसके बाद मेरा कीमा तैयार हो जाएगा, और उस मेरी चिली भी एक साइड पे रेडी है, और मैं उसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डालूँगी और कीमा डालूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो 10 मिनट हो गए, चले देखते हैं। मैं बीच में से 2 दफ़ा चेक किया था इसको, अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसको भी हमने ड्राई करना है, हमें बिल्कुल ये ड्राई चाहिए, वेट कीमा हमें नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई गिटलियाँ बनी हुई हैं तो उसको ऐसे हमवार कर लें। सो एज आई से इन उर्दू, वी नीड दिस कीमा टू बी वेरी वेरी ड्राई। ओके, एंड नाउ मैं काटूंगी अपने स्प्रिंग ऑनियन। और साथ ही मैं अपना धनिया भी थोड़ा सा काट दूंगी, बस एक छोटा सा बंच हो। और इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मेरा कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है, ठीक है। चलिए, ये मेरा कीमा तैयार हो गया है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा कर दूंगी। तो कीमा मेरा ठंडा हो गया है, इसको मैं एक साइड पर कर लेती हूँ। मैं अपनी पहली मिर्च उठाऊंगी, उसको मैं ऐसे रख दूंगी, और ये कीमा उसके अंदर ऐसे भर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरूंगी। ऐसे हाथ से थोड़ा सा पुश भी कर दें, ठीक है। ऐसे ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपका
ये होना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट काम करेंगे। तो ये एक मैक्सिकन रेसिपी है, ये मेरी एक मैक्सिकन नेबर थी मेरे वर्क प्लेस के पास, और बहुत मतलब पहले ये मैंने बनाई थी और आज मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैं अपनी पुरानी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों के लिए 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ पर ज़्यादा नहीं, तो आज मैं फिर बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अब दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पैन मैंने हीट पर रख दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि मेरी चिली नीचे से जले नहीं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसकी गर्म होने का भी इंतज़ार करूंगी, थोड़े से गर्म हो जाए। मैं आराम से जो अपने पेपर है वो इसमें ऐसे रख दूंगी, लेकिन कोशिश करें कीमा नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर कीमा गिर गया तो ये फिर वो जल जाएगा ऑयल में। ये मैंने रख दी है, अब इसके ऊपर मैं मीडियम हीट करके लिड रख दूँगी। तो लिड रख दिया है, मैं देखूँगी कि थोड़ी सी ये मुरझा जाए, थोड़ी सी पक जाए तो फिर मैं इसको देखूंगी। चले खोल दिया है, ये देखिए कितने ये प्यारे, ये बिल्कुल वो मुरझा गए हैं ना, पक गए हैं। ठीक है, अब चलिए ये हो गए हैं। देखिए मैंने थोड़ी सी क्यूकम्बर ऐसे लंबे लंबे काट दिए, थोड़ा सा मैंने टोमेटो काट दिया, ज़्यादा नहीं, बस एक दो सैलड की कोई चीज़ें काट लें आप। और अपनी चिली उठा के आप इनको ऐसे भी उठा सकते हैं और आप चमचे से भी उठा सकते हैं। ये देखिए मैं तो बस ऐसे ही उठा रही हूँ। हो गया हमारा मैक्सिकन चिली, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, नज़र आ रहा है। मैं हमेशा थोड़ा सा मिंट सॉस के साथ इसको सर्व करती हूँ, थोड़ा सा मिंट सॉस भी डाल दूँगी। तो कभी कभी हमारे घर में क्या करते हैं कि ये पूरी एक चिली उठा लेते हैं, इसको ब्रेड में रख लेते हैं, साथ ही ये सैलड रख लेते हैं, थोड़ा सा ये डाल देते हैं और ब्रेड में खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसे ही बस रोटी के साथ ऐसे ही तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन इस कीमे का, इस चिली के अंदर मज़ा ही और होता है। आप ज़रूर इसको बनाना तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करके भी अब देखते हैं। मैं तो जैसे आपको बताया था कि अपना ट्रेडिशनल वे पे करूँगी, अपने ब्रेड में डाल के खाऊँगी। जो मेरी वो जो नेबर थी, सॉरी ब्रेड खोल दी, जो मेरी नेबर थी वो ऐसी तरह खाती थी, ब्रेड ले लेती थी, ब्रेड में पूरी एक चिली ऐसे लंबी सी रख लेती थी, ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर छोड़ देती थी, और एक क्यूकम्बर ऐसे ऐसे, टोमेटो और थोड़ा सा सॉस डाल देती थी, और वो इसको ऐसे बंद कर देती थी और खाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहूँ क्या कहूँ, बम्बार है, बम्बार बम्बार क्या है, तोपदार है, बिल्कुल तोपदार है। कसम से बातें करने को दिल चाह रहा है, लेकिन ये खुराक भी बहुत नाइस है।
जो क्रच की आवाज आती है, चीनी का टेस्ट है, सैलड का है। आप इसको रोटी में भी रोल करके खा सकते हो, ऐसे भी तोड़ तोड़ के खा सकते हो, और बल्कि ये देखें ऐसे भी खा सकते हो। साथ में मुंह में मिक्स हो जाएगा। मैं कभी कभी साइड में चिप्स भी रख लेती हूँ, आप चिप्स में के साथ भी खा सकते हो, और कभी कभी मैं साथ में वाइट राइस भी रख लेती हूँ, तो वाइट राइस के साथ खा सकते हो। ये है मेरी मैक्सिकन चिकन मेरे तरीके से। हो सकता है कि कोई और लोग और तरीके से बनाते हो। ये मैंने क्या कहा, मैक्सिकन चिकन? नहीं, मैक्सिकन चिकन नहीं, मैक्सिकन चिली। इसको मैंने नाम दिया है मैक्सिकन चिली, पर वो मेरी नेबर क्या कहती थी मुझे नहीं पता, वो कोई मैक्सिकन में नाम कहती थी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर वेरी नाइस है, अमेजिंग है। और ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं चखी होगी ना देखी होगी, तो बनाइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद कीजिए, और आप सब मेरी दुआओं में हमेशा होते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।